दोस्तों, अगर आपके पास Realme का C11 स्मार्टफोन है और आप जानना चाहते हैं उसमें हम आइकन इंस्टॉल को कैसे चेंज करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऐप के जो आइकन इंस्टॉल होते हैं उन्हें आप चेंज करना चाहते हैं अपने Realme के C11 स्मार्टफोन में, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने का तो बिल्कुल आसान तरीके से अपने Realme के C11 स्मार्टफोन में जो आइकन का जो इंस्टॉल होता है वो आप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना होगा और सिंपल से आप अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इसे आप दबा के रखेंगे लॉन्ग प्रेस करके और यहाँ पे आपके सामने वॉलपेपर, आइकन्स, लेआउट इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप आइकन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप आइकन्स पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से आइकन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको एक काम और करना है, आपको जाना है अपने सेटिंग के अंदर। जैसे कि सेटिंग के अंदर आएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पर्सनलाइजेशन का, ठीक है, पर्सनलाइजेशन का, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक सके, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आइकन इंस्टॉल आपको ऑप्शन मिलेगा, आइकन इंस्टॉल, यहाँ चार आइकन होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट सेट है, ठीक है। इसे हम ये करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे या अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी घूमेगा, ठीक है। इसे हम कम ज़्यादा करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ये वाला भी आप लगा सकते हैं स्टाइल, और ये वाला भी लगा सकते हैं, और ये वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे आइकन का जो स्टाइल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे आप घटा बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो आइकन के जो नेम होते हैं, नेम, उनके जो नेम, जैसे व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप का नेम इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज दिखाई देगा, ठीक है। नहीं तो आप मीडियम रखना चाहते मीडियम हो सकता है। यहाँ पे आइकन का स्टाइल थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से बैक जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं आइकन इंस्टॉल चेंज हो गए हैं, ठीक है। नहीं आप फिर से वैसे ही कैसे कर देंगे तो आप फिर से जाएंगे सेटिंग के अंदर और यहाँ पर्सनलाइजेशन के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर से आइकन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ठीक है। और ये आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट करेंगे और यहाँ बीच वाला बटन दबाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये देखो हो चुके हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा। आप इस तरीके से कर सकते हैं इस Realme के Realme C11 में आइकन इंस्टॉल को चेंज। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद।